हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरसीबी के द्वारा आईपीएल 2020 के लिए रिलीज्ड और रिटेन्ड किए गए खिलाड़ियों में कुछ गलतियां जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। तो जरूर से इस वीडियो को पूरा देखिए, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और जो है लॉजिकल होने वाली है। ऑक्शन से पहले रिलीज्ड और रिटेन्ड खिलाड़ियों की लिस्ट काफी जरूरी होती है। कौन से खिलाड़ी आरसीबी की टीम में है और किन खिलाड़ियों का आरसीबी ने निकाला है और इन ये डिसीजन लेने में आरसीबी से कौन कौन सी गलतियां हुई है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये है वो लिस्ट, ऊपर आपको दिख रहे हैं आरसीबी के द्वारा किए गए रिटेन्ड खिलाड़ी जो कि आरसीबी के लिए इस अगले साल का आईपीएल खेलेंगे, और नीचे आपको दिखेंगे वो खिलाड़ी जो कि आरसीबी के लिए अगला सीजन नहीं खेलने वाले हैं, जिन्हें आरसीबी ने अपनी टीम से निकाल दिया है। तो पहली गलती की बात की जाए तो मेरे ख्याल से आरसीबी को शिवम दुबे को रिटेन नहीं करना चाहिए था। आरसीबी को उन्हें टीम से निकाल देना चाहिए था, क्योंकि उन्हें शायद दूसरी किसी टीम में बढ़िया चांस मिल सकता था। पिछले साल उनका परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं था कि उन्हें टीम में रखा जाए। कोई दूसरे और बड़े खिलाड़ी की बात की जाए जिसे आरसीबी ने निकाला है, वो है नेथन कुल्टरनाइन को आरसीबी को रखना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि आरसीबी ने डेल स्टेन को भी निकाल दिया है। और नेथन कुल्टरनाइन और डेल स्टेन को निकालने के कारण आरसीबी के पास अभी कोई बढ़िया जो है फॉरेन फास्ट बॉलर है नहीं। टीम सऊदी को भी निकाल दिया है, तो कोई भी जो है फॉरेन का विदेशी उनके पास फास्ट बॉलर नहीं है, तो उन्हें एक फास्ट बॉलर आईपीएल ऑक्शन में खरीदना पड़ेगा विदेशी फास्ट बॉलर। पिछले साल डेल स्टेन ने एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी, पर वही परफॉर्मेंस वो दे पाए क्योंकि उसके बाद वो जो है आईपीएल नहीं खेल पाए थे। तो मेरे ख्याल से उन्हें जो है आरसीबी को रिटेन करना चाहिए था, उन्हें इस सीजन भी मौका देना चाहिए था। एक बढ़िया डिसीजन की बात की जाए तो वो था शिमरन हेटमायर को निकालना। मेरे ख्याल से शिमरन हेटमायर को रिलीज करना ही आरसीबी के द्वारा एक बढ़िया डिसीजन था। आरसीबी ने कॉलिन डी ग्रैंडम और मार्कस ट्वेनिस दोनों को ही निकाल दिया है, तो इसके चलते उनके पास कोई बढ़िया फॉरेन ऑलराउंडर है नहीं, तो ऐसे में उन्हें जो एक फॉरेन ऑलराउंडर भी आईपीएल ऑक्शन में खरीदना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आरसीबी ने शिमरन हेटमायर को तो निकाला है, पर उसके साथ उन्होंने हेनरिच क्लासेन को भी निकाला है। तो पिछले साल इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में कॉम्पिटिशन था कि कौन खेलेगा, पर अभी जो है वो दोनों ही खिलाड़ी निकल चुके हैं। तो मिडल ऑर्डर में या फिर ओपनिंग करने के लिए आरसीबी को जो है, क्योंकि इन दो खिलाड़ियों को हम लोग जानते हैं, पिछले साल आरसीबी या तो ओपनिंग करा रही थी या तो मिडल ऑर्डर में खिला रही थी, तो ऐसे में आरसीबी को जो है मिडल ऑर्डर या फिर ओपनिंग कराने में जो है यहाँ पे एक बढ़िया सा बैट्समैन चाहिए जो कि उन्हें आईपीएल ऑक्शन में खरीदना पड़ेगा। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट थी जो आरसीबी को इस ऑक्शन में पूरी करनी पड़ेगी अगर उन्हें एक सक्सेसफुल कैंपेन अगले साल चाहिए तो। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या मुझसे कोई खिलाड़ी छूट गया है जिससे जो है आरसीबी ने रिटेन या रिलीज करने में कर दी हो गलती, तो उसे आप जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अभी जो है हम लोग और बची हुई सातों टीमों के ऊपर ऐसे ही वीडियोस लेके आएंगे। तो उन सातों टीमों पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए और बेल आइकन दबा के रख दीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद।